सेटिंग की गई है, ये देखो। साइड का ये मूर्ति है इधर साइड, और ये नाका साइड से दूसरी मूर्ति है, और अपने इधर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम नाका से अगर आएंगे तो दूसरी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ये चेक करो, काली माता की सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पे पूरी अयोध्या में। भीड़ उस भीड़ में बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। देख रहे हो किस तरीके से वो उत्साहित है पूरा तगड़े में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है पूरा तगड़े में। गाइस ये है देवकाली बाईपास, और आज भंडारा हो रहा है सप्तमी के दिन देवकाली बाईपास। हेलो गाइस, तो आज हम आपको दिखाने वाले 2024 का दुर्गा पूजा, और हमारे साथ आकाश भाई हैं जो स्कूटी चला रहे हैं, और यहाँ पर भंडारा चल रहा है। देखो तगड़े में भंडारा चल रहा है, ये चेक करो। तो देवकाली बाईपास हम पहुँचे, सब आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से जगह पे दुर्गा पूजा बैठा हुआ है, और कहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, और कल 3 दिन भंडारा लगातार चलता रहेगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो ये है ककरावा का दुर्गा पूजा MIS स्कूल के पास, और यहाँ पर हनुमानगढ़ी भी अभी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ी, बहुत फेमस हो गया है। ये चेक करिए, ये है हनुमानगढ़ी ककरावा का, ये भी बहुत अच्छे सजाया गया, क्योंकि माता रानी का दरबार भी है बगल में। अब जो आप मूर्ति देख रहे आ रहे हैं, ये है तिराहा देवकाली भाई देवकाली मंदिर का, और यहाँ पर भी मूर्ति जो है बैठी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये चेक करो, तो ये आपने देखा देवकाली मंदिर के पास का है, ये देवकाली क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं चौक से होते हुए नाका तक। आप अब देख रहे हो ये है स्मार्ट बाज़ार, और स्मार्ट बाज़ार के जस्ट सामने ही आपको ये मूर्ति बैठी है जो चौक जाने लगो ओवर ब्रिज के पास, और बहुत ही भव्य बहुत ही बड़ी मूर्ति बैठी हुई है यहाँ पर। भाई साहब देख रहे हो किस तरीके से लाइटिंग की गई है पूरी, और यहाँ पर सबसे बड़ी है मूर्ति, तो आप ये चेक करो, यहाँ पर जय माता दी, और यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से, ये चेक करो, काली माता की सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पे पूरी अयोध्या में। तो जैसे आप देवा हॉस्पिटल के पास आएंगे, वहाँ पर आपको ये कोहिनूर पैलेस के सामने भी एक मूर्ति देखने को मिलेगा, और हर जगह पे सप्तमी अष्टमी नवमी को भंडारा जो है वो होता है, और नवमी को जिस दिन विसर्जन रात में 12 बजे मूर्ति जो है 11-12 बजे उठ जाती हैं। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आप देखेंगे घंटाघर से पहले ये देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से सजाया गया है। चेक करो, ये बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है, ये देखो। बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है रोड को। चलो चलो, देखा। और इधर आप देखेंगे ना भंडारा हो रहा है घंटाघर से पहले, ये चेक करो। तो ऐसे 3 दिन भंडारा जो है ये चलता रहेगा।
पहुंच गए हैं अयोध्या के सबसे मुख्य मार्केट यानी चौक घंटाघर के पास। और आप यहाँ पे देखेंगे पूरा सजा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे भी बैठी हुई है और बहुत ही बड़ा पंडाल है। अगर आप चेक करेंगे कुछ तरीके से ये घंटाघर चौक का है सबसे बड़ी मूर्ति। और यहाँ पर देखने के लिए कितने लोग भीड़ लगाए हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अयोध्या घंटाघर से और नाका की तरफ। और हर जगह आप देखते रहो पूरा तो चेक करो पूरी लाइट किस तरीके से लगाई गई है। भाई को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है चलाने में। एक्सपीरियंस भाई एक्सपीरियंस हो गया है। भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है। मार्केट सजी हुई है। चल पड़े रास्ते में भैरव संग कुछ साधो उन्हें मिले बोले श्री जय बाबा कल मेरे हराना भंडारा का करना। चेक करोगे फतेहगंज आने वाले टाइम पे यानी फतेहगंज के पास में कुछ इस तरीके से सजावट हुई है। देखो कुछ इस तरीके से भाई पूरा सजा हुआ है। और इधर चेक करो पूरा क्या जी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। भंडारा चलो तो बहुत मारा मारी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है पूरा तगड़े में। बहुत अच्छी मूर्ति बैठी है यहाँ पे। लाइटिंग पूरा भीड़ चेक करो कितनी ज़्यादा भीड़ है। भाई इधर चेक करोगे ये केदारनाथ यहाँ पर टीम बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए पूरा लगा हुआ है जिस तरीके से करो भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये लोग सुबह ही कर लेंगे पूरा। चेक करो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इन लोगों को अभी लग जाएगा 3-4 बज जाएंगे। देख रहे हो किस तरीके से वो उत्साहित है पूरा तगड़े में। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं अयोध्या के फतेहगंज क्रॉसिंग के पास। इसके बाद नाका चलते हैं।
ये गेट यहाँ पे जय माँ शेरावाली और गेट यहाँ चालू हो जाता है, ये जाता सीधे नाका। संघर्षी जीवन है, संघर्षी जीवन है तो भाई इतनी ज्यादा भीड़ है, उस भीड़ में बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चेक करो भाई क्या डिजाइन बनाई है। हमारी आवाज सुन रही है, करिएगा ये जगह लाइट है, पूरे रोड पूरी लाइट है। देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लाइट को बहुत अच्छा करके रखा गया है। अभी हम नाका पहुँचने वाले हैं और नाका से पहले आप देखोगे हनुमानगढ़ी साइड में ये मूर्ति बैठी है, एक हनुमानगढ़ी साइड बैठी हुई है। जिस टाइम तुम हो उस टाइम हम भी हैं। तो गाइस आप देखेंगे नाका हनुमानगढ़ी साइड का ये मूर्ति है इधर साइड, और ये नाका साइड से दूसरी मूर्ति है, और अपने इधर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम नाका से अगर आएंगे तो दूसरी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए हम बाहर से पंडाल आपको दिखा दे रहे हैं। और यहाँ भी काफ़ी भव्य भंडारा जो है कल होगा, यानी आज तो नहीं हो रहा है लेकिन अष्टमी नवमी को होता है। लास्ट मूर्ति पूरे अयोध्या की अपनी नागा की, और फर्स्ट भी है लास्ट भी है। तो भाई साहब ये देख रहे हो यही है, ये है सबसे बड़ी मूर्ति अयोध्या की। गाइस कुछ इस तरीके से 2024 का दुर्गा पूजा, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप बताना कैसी लगी, थोड़ा भीड़ की वजह से थोड़ा शॉर्ट कम था और भाई अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।